नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है जुलाई का महीना और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिफल शुरू करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो राशिफल है जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है, फिर आपकी नाम राशि वृषभ है, तो ये गोचर फल राशिफल हम आपको समर्पित करते हैं। गोचरीय ट्रांजिस्ट पर होने के कारण जुलाई के महीने में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गोचर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जुलाई के महीने में महत्वपूर्ण गोचर होगा 2 जुलाई को बुधदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात 13 जुलाई को शुक्र का मिथुन राशि में, 16 जुलाई को सूर्य का कर्क में, 17 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में और 29 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति का जो वक्री गोचर है, इसके लिए अगर आप इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते तो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ ज्ञानवर्धक चीजें मिलेगी। शुरू करते हैं जुलाई का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। जुलाई का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हर लिहाज से अच्छा रहने वाला है। उनके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज यहां पर ये महीना लेकर आने वाला है। दशम भाव में शनि और प्रथम भाव में स्वराशि में शुक्र के होने से आपको करियर के मामले में आपका भाग्य जो है वो भरपूर सहयोग देने वाला है। आपको हर तरीके से अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन इस टाइम पर मिलता दिखेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हर प्रकार से गोचरीय स्थितियाँ आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। खासकर वो लोग जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके लिए भी जीवन में अच्छी चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और बुध अपनी स्वराशि में होने की वजह से और सूर्य के साथ उपस्थित होने की वजह से आप घर परिवार के लोगों के साथ एक वैल्यूएबल टाइम एक्सपेंस करेंगे, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बृहस्पति के पंचम भाव पर दृष्टि होने से जातक को लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। सेकंड हाउस में सूर्य और बुध की युति होने से आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है। हर प्रकार से ये जो स्थितियाँ है शुक्र की और शनि की बृहस्पति की, आपको इनकम सोर्स बढ़ाने वाली रहेगी, हर प्रकार से अच्छी चीज़ें देने वाली है। सेहत से रिलेटेड अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा वृषभ राशि वालों सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में केतु की उपस्थिति और मंगल की पूरी दृष्टि होने से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है। अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको अच्छे परिणाम मिलते मिलेंगे। यहाँ पर मैं कुछ उपाय जो है वृषभ राशि वाला आपको बता देता हूँ, इन उपायों को अपने जीवन में उतारिए, आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। आप जो है श्री गणपति महाराज की आराधना करिए नियमित, नहीं तो बुधवार के दिन तो करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुंवारी कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार के दिन आप जो है सफ़ेद कलर के वस्त्र का ज़्यादा उपयोग करें। शुक्रवार के दिन आप स्वच्छ रहें। शुक्र के दिन आप जो है खुद को बहुत ज़्यादा बन ठन कर रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम शुक्र देते मिलेंगे और राशि का स्वामी अगर पावरफुल हुआ तो हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। ये कुछ छोटे छोटे उपाय, इन उपायों को अपने जीवन में उतारिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और परफ्यूम का उपयोग करना शुरू कर दीजिए, लाभदायक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी मुझसे ले सकते हो और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली आपके लिए क्या कहती है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा जी। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।